दूसरे चरण के मतदान जो है वो होने जा रहे हैं, और दूसरे चरण के जो कल मतदान है उसी के चलते आपको एक अहम जानकारी जो है वो मैं देने जा रहा हूं। मैं आपको मौसम के रिगार्डिंग जो है वो एक लाइव अपडेट इस समय जो है वो दिखाने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज है, मौसम की जानकारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि मौसम पे बेहद डिपेंड रहता है कि कितने परसेंट जो है कल जो है वो पोलिंग होगी, क्योंकि हम लोग इस चीज को बिल्कुल मद्देनजर देखते हैं। जब भी हम वोटिंग करने के लिए जाते हैं हम लोग इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं कि हमने कल वोट करने जाना है, मौसम कैसा है, इस सब पर जो है अब मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं कि कल मौसम जो है वो कैसा रहने वाला है। वैसे तो बात करें तो जम्मू से लेकर रियासी तक जो है एक बड़ी सीट है ये, जिसपे कल मतदान जो है वो होने जा रहा है दूसरे चरण के लिए। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि मौसम की जानकारी जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं कि आज के मुकाबले में अगर कल की बात की जाए तो मौसम बेहद जो है ठंडा रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आज अगर बात करें तो धूप जो है वो खिली थी, पर अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इतनी बात जरूर है कि बारिश के आसार जो है वो बिल्कुल कम है, यानी कि ज्यादा बारिश होने के आसार जो है वो नहीं है। पर इतना जरूर है कि मैं आपको बता दूं कि आज के मुकाबले में कल जो है वो मौसम ठंडा रहने वाला है। बाकी कल के बाद की अगर बात करें तो मौसम जो है वो बताया जा रहा है कि जम्मू के इलाकों में कई जगहों पर बारिश होगी, पर कल एक अहम दिन है, दूसरे चरण का कल जो है वो वोटिंग है, और वही वोटिंग के चलते जो है अगर ज्यादा मौसम खराब हो तो वोटिंग जो है वो कम परसेंट की भी हो सकती है। पर जहां तक हमें जानकारी है मैं आपको बता देता हूं कि कल जो है वो मौसम जो है आज के मुकाबले में ठंडा रहने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं हल्के हल्के बादल जो है वो आपको आसमान में जो है वो छाए हुए मिलेंगे, पर बारिश के आसार जो है वो कम है। किसी क्षेत्र में कहीं क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं आपको इतनी बात जरूर बता देता हूं कि बारिश जो है वो नहीं होगी, पर कल मौसम जो है वो ठंडा जरूर होगा। यानी कि कल शुक्रवार को दूसरे चरण में मतदान जो है वो होने जा रहे हैं, और मतदान हाँ सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएंगे और शाम जो है वो 6 बजे तक जारी रहेंगे। और वहीं अगर आज की बात करें तो पोलिंग बूथ पर तमाम पोलिंग पार्टियों के दल जो है वो पहुंच चुके हैं, जिस तरह से हम आपको जो है पहले भी खबर बताई, ईवीएम वो जरूरी कागजात के सामान जो है वो इस समय जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है बेहद जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के जो है व्यापक जो है वो प्रबंधक जो है वो किए गए हैं। और जम्मू लोकसभा सीट की अगर बात करें तो कुल 2416 मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, और इस संसदीय सीट पर जम्मू सांबा और रियासी जिले के अलावा राजौरी, सुंदरबनी और कालाकोट इलाका जो है वो समेत सारा इलाका आता है। यानी कि मैंने पहले भी कहा आपको बेहद जो है वो लंबी सीट है, और इस पूरे संसदीय क्षेत्र में धारा 144 भी जो है वो लागू की गई है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चप्पे चप्पे पर हम लोग देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों की जो है वो है जरूर निगरानी जो है वो जरूर है, और दिन में सभी प्रमुख स्थानों पर जो है वो सुरक्षा कर्मी जो है वो मौजूद है। और वहीं अगर पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो वहां पर भी जो है लगातार इस चीज को जो है सुरक्षा कर्मी जो है वो निगरानी बनाए हुए हैं। कई जगहों पर मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो सीसीटीवी कैमरास भी जो है वो लगाए गए हैं, और कई सारी व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की तरफ से जो है वो की गई हैं। और कल अगर एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि ये लाइव अपडेट का मतलब था कि कल मौसम की जानकारी जो है वो किस तरह से रहने वाली है, उसी जानकारी को मैं आपको बता दूं कि आज के मुकाबले में कल मौसम ठंडा जरूर रहेगा। पर अच्छी खबर ये है कि मौसम जो है कल मतलब कि बारिश होने के आसार जो है वो कम है, और इसी के चलते उम्मीद जताई जा रही है अच्छी वोटिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा जो है वो वोटिंग होगी। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको इतनी बात करेंगे कि आप लोग भी अपना वोट जो है वो जरूर कास्ट करें, वोट जरूर दें, क्योंकि वोट जो है आने वाला भविष्य जो है वो बनाता है, आने वाले हमारे देश की जो है आने वाले भविष्य के बारे में कहीं ना कहीं जो है वो सोचता है। तो जरूर आप लोग जो है अपना वोट जो है वो जरूर कास्ट करें, क्योंकि जहां तक हमें मौसम की जानकारी मिल पा रही है आज के मुकाबले में कल जो है वो मौसम ठंडा रहेगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, नमस्कार।